अने चाटा विद्या वाला बिंदु उनको मुक्तों चलना रो ये रोड पे ना ये निकाला चलना रो के खिलाफ है। अभी केंद्रीय सरकार बजट सेशन है, बजट सेशन में हम देखा जो बजट लागू किया, जब इस बजट में पूरा पॉलिसी गरीबों के खिलाफ है, बहुत ज़्यादा कटौती हम देखता है, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, इस मुद्दे में रोजगार की मुद्दा, स्वास्थ्य की मुद्दा और शिक्षा के मुद्दे पे जो सरकार की ओर से बजट में अलॉटमेंट है वह पूरा पिछले साल से कमज़ोर है, कटौती चलता है और इस पॉलिसी आगे लेता है, इस पॉलिसी से पूरा एसेंशियल कमोडिटीज़ का प्राइस में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ते रहते हैं। इसको तोड़ने के लिए कुछ भी कार्यक्रम दिल्ली की सरकार की ओर नहीं है। अभी जो घोटाला चलता है और बहुत अदानी की जो मुद्दे पे बहुत ज़्यादा समस्या जनता के सामने है,
इस अवसर पर पार्लियामेंट में चुप रहता है केंद्रीय सरकार, पार्लियामेंट चलने पे रोकता है केंद्रीय सरकार, सत्ता में रहने वाला करता है, पहले बार है इस अवसर पे हिंदुस्तान में सरकार की जो कार्यक्रम है इसके खिलाफ बहुत ज्यादा आंदोलन करने की जरूरत है। और एक चीज है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा डेमोक्रेसी है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल और हमारे डेमोक्रेसी पे बहुत ज़्यादा हमला, सत्ता में रहने वाले जो सरकार है इसके ओर से हो रहा है, जो न्यायपदियों के ऊपर भी हमला कर रहा है, दबा देता है, ऐसा एक अवस्था है जो न्यायपदियों के ऊपर दबा देने वाला भाषण हमारा केंद्रीय कानून मिनिस्टर की ओर से आया और हमारा जो लोकसभा स्पीकर की ओर से आया, राज्यसभा चेयरमैन की ओर से आया, ऐसा एक अवस्था है। और जो राज्य सरकार उनको तोड़ने के लिए सेंट्रल एजेंसियों का इस्तेमाल करता है, मुंजीपदियों हमारा देश की जो पैसा लेकर इस्तेमाल करता है और लेकर चलता है, उनके ऊपर कुछ भी कार्रवाई नहीं होता है। हिंदुस्तान में पहले बार ऐसा एक अवस्था चलता है। और गवर्नर की पोजीशन इस्तेमाल कर राज्य सरकारों को अनस्टेबल करने के लिए भी कोशिश करते रहते हैं। इस अवस्था पे हिंदुस्तान में पूरा विपक्ष राष्ट्रीय दलों इस भाजपा की जो पॉलिसी है उनके खिलाफ शामिल होने के लिए आता है, सब एक ही होकर सरकार की जो काला राजनीति को एंड द किसान एंड एंड द पीपल पॉलिसीज को चेंज करने के लिए, बदलने के लिए एक ही साथ आगे जाना है। हम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी हिंदुस्तान में पूरा इलाका में जाकर, गांव-गांव में जाकर, कोने कोने में जाकर इस अवस्था के बारे में एक्सप्लेन करेगा। और हिंदुस्तान में गरीबों को समर्थन देने वाला, अल्पसंख्यक लोगों को सुरक्षा देने वाला, दलितों को सुरक्षा देने वाला ये कार्यक्रम की ज़रूरत है। वह वैकल्पिक कार्यक्रम जनता के बीच में एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पार्टी की ओर से ये ज़्यादा पूरा तेलंगाना में चलता है, पूरा हिंदुस्तान में हम ऐसा कैंपेन आगे ले जाएगा और जनता के समर्थन मांग कर हम आगे जाएंगे। పార్టీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి వర్గ సభ్యులు కౌంటర్ రశ్మి గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతాము. సభాధ్యక్షులు రమేష్ గారు, సీపీఎం పార్టీ తొలిపోయిన నాయకులు విజయ రాఘవన్ గారు, అలాగే రమ అరుణ జ్యోతి, విజయ్ ధర్మా నాయక్, అలాగే జిల్లా ఏకంగా ఎలాంటి విధానం అనుసరిస్తుందో చెప్పడం జరిగింది. అటువంటి కర్తవ్యం మా ప్రజల మీద ఉంది అనే విషయాన్ని సిపిఎం పార్టీగా రాష్ట్రంలో మూడు దశయాత్రలు ప్రారంభమై 29 తారీఖున హైదరాబాద్ లో ముగించబోతున్నాయి. ఆ సందర్భంగా భారీ బహిరంగ సభ ప్రకాష్ కరత్ గారు కూడా ఈ సభకు హాజరు కాబోతున్నారు.